जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज एक वीडियो रेलवे डिपार्टमेंट से, रेलवे के डी ग्रुप के कर्मचारी जो कि रेलवे के रख रखाव के लिए तैनात होते हैं, कोई ट्रैकमैन है, कोई गार्डमैन है, और उनको अफसर अपने बंगलों में ड्यूटी दिवा रहे हैं। ये मामला पहले भी उजागर हुआ था, मेरे को कुछ बंदों ने वीडियो भेजे थे और वो वीडियो मैंने अपने चैनल में भी डाले थे, इस रविंद्र फौजी जो मैंने ये चैनल बनाया है। और मैं कोई मीटिंग के लिए दिल्ली भी गया था, वहाँ हमारे एक जान पहचानने वाले उनका कोई प्रोग्राम था और रेल मंत्री जी से वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ मैंने कुछ ये वीडियो रेल मंत्री जी को दिखाई दे की लिखित शिकायत भी दी थी, और आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि ये सारे के सारे बंगले पे जितने भी डी ग्रुप के कर्मचारी थे उनको हटाकर और ग्राउंड में नौकरी के लिए लाया गया था। लेकिन आज फिर एक कोटा से मेरे पास ये वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज भी इनके बंगलों पर कर्मचारी डी ग्रुप के तैनात हैं, इनके घर में साफ सफाई और ये कर रहे हैं। यानी इस देश का जो भट्टा बैठाया है, बोलते हैं ना कि 100 में से 80 बेईमान और फिर भी मेरा देश महान। हमारे देश का बजट का 60%, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि ये अफसर, ये भ्रष्ट अफसर, ये हमारे देश के बजट को खा रहे हैं। चाहे अफसर हो, चाहे वो आर्मड फोर्स से हो, चाहे वो रेलवे से हो, किसी भी सरकारी महकमे में, हर सरकारी महकमे में अफसरों का यही हाल है। बहुत से अफसर अच्छे अफसर हैं और उन अच्छों की वजह से ये देश चल रहा है, लेकिन ज्यादातर बेईमान। वो एक कहानी है ना, पहले बोलते थे कि अफसर रॉयल होते थे, तो वो कुछ सिद्धांत थे उनके, खानदानी अफसर थे, लेकिन आजकल वो रखा है कि साला अगर मक्खी भी दूध में या घी में मक्खी पड़ेगी तो उसको भी चूस कर फिर फेंकने वाले अफसर है आज। वो कुछ तो उनके बंगलों पर तैनात है, कुछ लोगों की हाजिरी ऐसे ही चल रही है, उनसे आधा पेमेंट लेते हैं, एक मिलीभगत कर रखी है। इतने डी ग्रुप के कर्मचारी तैनात हैं, वो ड्यूटी पर नहीं आते, यहां तक ये बता रहे हैं कि उनका आधा अफसर वो जो बैठता है वो पेमेंट खाता है रेलवे का, और आधा उनको बैठे बैठे मिल रहे हैं, वो कोई दूसरी नौकरी कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार खत्म कब होगा रेल मिनिस्टर जी? आपने कुछ दिन के लिए किया था, इन पर छापे भी पड़े थे, इनकी कोठियों पर, बंगलों पर, और जो हाजिरी चेक भी हुई थी ग्राउंड में, वो बंदे हैं कहां? तो एक बार और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें और इन पर छापे पटके, उनकी हाजिरियां चेक करें कि वो लोग हैं कहां और ये पेमेंट कौन उठा रहा है उनका। कुछ तो सिर्फ फर्जी नाम से ही वो पेमेंट उठा रहे हैं। और एक बार फिर मैं कहता हूं कि ये अफसरशाही, ये तानाशाही सिर्फ और सिर्फ चल रही है आप लोगों की वजह से। आप खुद इसके जिम्मेवार हो, हम खुद इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम इनकी तानाशाही को सहन कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि यार मेरा तो टाइम निकले, मैं निकल जाऊं, मौजूदा ये बैच जो करने दो। और ये कोई भी डिपार्टमेंट, चाहिए हमारा सेना का हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे रेलवे हो, कहीं भी हो, वहां जब लोग आ जाते हैं, मैंने कई बार कहा कि चलो उन ड्यूटी नहीं बोल सकते, तो रिटायर्ड होकर इतने लोग आ रहे हैं और उनको सबको पता है कि कितनी तानाशाही होती है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो, सोचते हैं कि अपना पेंडा छूटा, हम क्यों बोले। और ये आपकी वजह से ही, आपने सहा, फिर आपके आगे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे, क्योंकि वो ही कर्मचारियों का है जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, चाहे रेलवे के जवान हैं, वो अपने बच्चों को अपनी अपनी उन्हीं ड्यूटियों में दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं, और फिर जो आपके साथ हुआ उनके साथ भी होगा। हम जो चीज बीत गई उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले इन भविष्य को, अपने बच्चों को, इनको ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इन छोटी छोटी चीजें, कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा हो, कहीं भी ऐसे तानाशाही कर रहे हैं, इन हरामजादों को, इन कुत्तों को उजागर करो। और जब तक ये जनता के सामने आएंगे, क्योंकि ये जनता के सामने दिखावे के लिए या नेताओं के सामने तो ये ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये देश को लूट रहे हैं, गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी जो भी अफसर हैं, इस तरह का काम करने वाले, इन पर छापा पड़े और इनको चेक हो। ये इस वीडियो को आप देखें, अभी मैं इसमें अपलोड कर रहा हूं, और एक वीडियो और है जिसमें एक, अभी इसके बाद नेक्स्ट में अपलोड करूंगा, एक रेलवे कर्मचारी को अफसर मार रहा है, धमका रहा है, वो बाद में, पहले इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये चीजें ऊपर नजरों में आए और इन हरामजादों को अक्कल ठिकाने में आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साउथ कोटा में लगातार हो रही है धांधली, फर्जी हाजिरियों का खुलासा।
अगर यहाँ कोटा के अंदर कोई विजिलेंस आती है तो खुलासा किया जाएगा, एक एक गैंग में उनको अलग अलग बुला के पूछा जाए कोटा साउथ के अंदर हो रही है फर्जी हाजिरी। 10 बजे तक हमारा SSC कोटा के अंदर ऑफिस में नहीं आता है। 4 वर्षों से कई लोग फर्जी हाजिरी भर रहे हैं, बंगलों पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट बंगलों पर जाते हैं जिनकी हाजिरी होती है और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हाजिरी नहीं हो रही है। इसके विरोध में लगातार अधिकारियों से मिलकर अवगत कराया जा रहा है लेकिन अब तक किसी गैंग में इनकी सुनवाई नहीं हुई है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी इस मैसेज को रेल मंत्री तक पहुँचाया जाए ताकि मैं इसको और खुलासा कर सकूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पीडीआई साउथ की जो हो रही है कोटा के मंडल के अंदर, कई गैंगमैन ड्यूटी पर होने के बाद उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती है, एक तरफा तानाशाही चल रही है, बंगले पे काम करने से मना किया, 3,000 रुपये महीना मांगते थे पीडीआई मुझसे, मैंने देने से मना किया जब से मुझे नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। कई पीडीआई गैंगमैनों के साथ मारपीट कर चुके हैं जिसका मुकदमा रेलवे कॉलोनी उद्योग नगर थाने में भी आ चुका है और मीडिया के अंदर भी छप चुकी है लेकिन अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोनों यूनियनें मिलकर भी इनका विरोध कर रही है और दोनों यूनियन अधिकारियों को लेटर भी लिख दिया है जिनकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। आपसे मेरा निवेदन है कि इसको इतने ऊपर तक पहुँचाएँ कि मेरी खबर रेल मंत्री तक पहुँच जाए। मैंने रेल मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, शायद हो सके उसका जल्दी से परिणाम आए। मैं इसी के साथ हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी मेरा गैंगमैन भाई है मेरे इस मैसेज को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे व्हाट्सएप मोबाइल चलाना नहीं आता है। ये कर्मचारियों को नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है और कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पैसे लेकर यहाँ पर ट्रोली मैन बन गए हैं जिनका लेटर 2017 के अंदर मनीष गुप्ता जी द्वारा भेजा गया लेकिन फिर भी वो लगातार धड़ाके से उनको ट्रोली मैन बनाया जा रहा है। ट्रोली मैन इसलिए बनाया जा रहा है कि सिर्फ बंगले पर काम ले जाए और ट्रोली नहीं हो रही है, जिसकी जाँच करी जाएगी जब पता लगेगा सेक्शन में आने के बाद कि क्या क्या हो रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मेरे इस मैसेज को पीडीआई साउथ नहीं, कोटा डिवीज़न नहीं, पूरे रेलवे बोर्ड तक मेरी ये मैसेज आए ताकि मेरी आवाज़ को सुनने वाला यहाँ पर कोई ना कोई आए। मैं कई बार कुछ उच्च अधिकारियों के सामने ओपन टू विरोध कर चुका हूँ और बता चुका हूँ पीडीआई साउथ में कुछ लोग गाँव घूम रहे हैं, 5-5, 8-8 दिन तक कॉलम खाली रहते हैं, उसके बाद उनकी हाजिरी होती है। और ऐसे कई कर्मचारी हैं जो जिन्होंने छुट्टी स्वीकृत कराने के बाद भी उनकी प्रेजेंट लगाई गई। मेरे पास पक्के प्रूफ हैं, आके श्रीमान जी से निवेदन है कि मैं जो प्रूफ है मैं रेलवे बोर्ड के CBI को ही देना चाहता हूँ या रेल मंत्रालय को देना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे किसी पर कोटा डिवीज़न पर विश्वास नहीं है क्योंकि मैं जिनसे मिलता हूँ दोनों यूनियनों के दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद। बस मेरा आपसे निवेदन है कि भाई इसको तुरंत प्रभाव से मेरी समस्याओं का समाधान करवाएं, जो भी इस मैसेज को भेजें। जय हिंद, जय भारत।